ये क्लिकर डिवाइस के बारे में आपको बताया था, आपने पेपर पढ़ा जो दिया है वो समझ में आया। ये जो डिवाइस है ये कंप्यूटर है, इसके अंदर ऐसे ही प्रोग्राम लिखे हैं जैसे आप लोग लिखते हैं, खाली वो एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं, प्रोग्राम इसके अंदर डाल दी। अब वो जो प्रोग्राम है उसके अंदर जो कंप्यूटर है उसके साथ साथ एक रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर भी है। उसी तरह का जो ये देखिए ये क्लिकर डिवाइस यहाँ पे जो रखा हुआ है ये रिसीवर, ये कंप्यूटर से कनेक्ट किया। अब बैकएंड सॉफ्टवेयर लिखा है काफ़ी, 20,000 लाइन का प्रोग्राम लोगों ने, वो जो प्रोग्राम है वो इस कंप्यूटर में डेटाबेस मेंटेन करता है स्टूडेंट्स का, किस रोल नंबर को कौन सा क्लिकर दिया है, ये सब डेटा इसके पास है। उसके बाद में ये जब सॉफ्टवेयर जो देख रहे हैं आप, ये स्क्रीन दिख रहा है, ये स्क्रीन दिखाने के लिए प्रोग्राम है, डेटा कलेक्ट करने के लिए प्रोग्राम है, डेटा का एनालिसिस करने के लिए प्रोग्राम है, ये सब। आज हम लोग इसके ऊपर दो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, एक तो अटेंडेंस लेंगे आपकी क्लिकर से, जिसे वो बायोमेडिकल अटेंडेंस देते हैं ना, यहाँ पे अपने आप अपने अगर क्लिकर जब चालू हो जाएगा तो अपने आप अटेंडेंस कलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद में दूसरी टेस्ट हम करेंगे, उसमें क्विज कंडक्ट करेंगे, एक क्विज बताएंगे यहाँ पे मल्टीपल चॉइस, उसमें ABCDEF ऐसे चॉइसेस होंगे, तो जो भी आपका चॉइस जो आपको सही लगे वो आपको दबाना है एक बार बटन, और वो जब बटन दबा देंगे तो वो उसके बाद में जब क्विज टाइम ख़त्म हो जाएगा तो ये रिसीवर अपने आप सब क्लिकर में से डेटा कलेक्ट कर लेगा, और वो डेटा जो कलेक्ट कर लेगा तो बाद में दिखाएंगे कि किसका क्या उत्तर था और कितने सही उत्तर कितने थे वगैरह। तो ये एक्सपेरिमेंट, ये क्लिकर अपने आप बनाया, IIT में डिज़ाइन किया है। ये जो आप डब्बा देख रहे हैं इधर छोटा सा, ये पुराना वर्जन है, वर्जन 1, इसको हमने 2 साल पहले बनाया था, और CS 101 में भी इसका एक्सपेरिमेंट हुआ था, लेकिन ये ज़्यादा ठीक से चला नहीं, क्योंकि इसके ऊपर स्टूडेंट्स को देखने की कुछ सुविधा नहीं थी, क्या दबाया, वो दबाया कि नहीं, क्लिकर चल रहा है कि नहीं, सिग्नल आ रहा है कि नहीं, ये कुछ पता नहीं चलता। तो हमने और डिज़ाइन किया है, ये जो आपके पास है इसको बोलते हैं हम लोग वर्जन 2। ये वर्जन 2 में एक छोटा सा LCD स्क्रीन है। अब इस क्लिकर की खासियत यह है कि ये बैटरी से चलता है, 3 बैटरी से, और अगर इसे स्विच ऑन रखेंगे तो ये करंट खाता जाएगा, क्योंकि LCD डिस्प्ले तो बैटरी ड्रेन हो जाएगी। इसके लिए इसके नीचे एक स्विच दिया हुआ है काले रंग का, वो काले रंग का स्विच हमेशा ऑफ पोजीशन में रखना है ताकि क्लिकर की बैटरी ठीक रहे, लेकिन हो सकता है कि उसको ऑन करेंगे आप और कभी ऑफ करना भूल गए तो बैटरी चली ना जाए। इसके लिए हमने इसमें प्रोग्राम में तब्दीली करी है। अब ये प्रोग्राम जो है कि क्लिकर का कोई भी काम हो गया, मान लो अटेंडेंस हो गई या क्विज ले लिया, तो उसके बाद ये क्लिकर सो जाता है, गोज टू स्लीप मोड, यानी वो पूरा स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगा, भले आपका पावर स्विच ऑन है फिर भी वो ब्लैंक हो जाएगा। ऐसा अगर हुआ तो उसको जगाना पड़ेगा। तो अगली क्विज लेने से पहले मैं बता दूंगा कि भाई अब एक बार और क्विज ले रहे हैं, अब आप अपने क्लिकर को जगाइए, तो उस समय आपको ओके बटन दबाना, ओके बटन आप दबा देंगे तो सोया हुआ क्लिकर जग जाए। अब क्लिकर जगने के बाद क्या क्या होता है उसमें लिखा है, पहले वो चैनल स्कैन करेगा कि किस रेडियो सिग्नल पे मुझे फ्रिक्वेंसी पे करना, जनरली एक ही चैनल रहेगी, वो जब चैनल पे लॉक हो जाएगा तो बोलेगा ये चैनल, तो आपको फिर ओके दबाना पड़ेगा उस समय कि हाँ ये चैनल में कीजिए। उसके बाद आपके कोर्स का नंबर आ जाएगा कि आप ये कोर्स कर, मतलब आपका क्लिकर अब चालू हो गया। उसके बाद हम अटेंडेंस कलेक्ट करेंगे या क्विज करेंगे, जो भी करना है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जो है इस क्लिकर में हम लोग अटेंडेंस कलेक्ट करने वाले हैं, तो अभी आप सब लोग अपना क्लिकर ऑन कीजिए, काला स्विच दबाइए और देखिए कि अभी बटन ना दबाएं कोई भी, अभी देखिए कि उसके ऊपर क्या मैसेज आ रहा है, क्या मैसेज आ रहा है, स्कैनिंग चैनल्स आया था, अब एक चैनल हो गई, अब ओके दबा दीजिए, चैनल आ गए, प्लीज़ रजिस्टर, यानी आपके पास क्लिकर है लेकिन आपका रोल नंबर इसमें डाला हुआ नहीं है, अब आप थोड़ी डाल सकते, वो जो आपका रोल नंबर आपके इसमें डालने की सुविधा होती तो परसों आप किसी और बंदे को उसके क्लिकर में आपका रोल नंबर डाल के भेज देते। हाँ, ये रजिस्ट्रेशन जो है वो अलग से हम यहाँ करेंगे, वो अटेंडेंस के बाद में वो रजिस्टर कर देंगे। अच्छा, आप सबके क्लिकर चालू हो गए, वो ओके दबा दिया आपने, अब मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ तो आप कुछ करेंगे नहीं, क्लिकर को हिलाइए मत, नहीं तो मेरा रिसीवर कन्फ्यूज़ हो जाता है। हाथ में रखें या सामने रख दें, अब वो रिस्पांस कलेक्ट कर रहा है। अब ये किसी का रिस्पांस मिस ना हो इसलिए हमने जो प्रोटोकॉल लगाया है वो ऐसे लगाया है कि वो सबके रिस्पांस एक साथ नहीं लेता, उसको पता है कि इस क्लास में कौन से क्लिकर होना चाहिए,
एक से लेके 26 तक जो भी हैं, अब वो हर क्लिकर नंबर को एक संदेश भेजेगा, आप हो क्या, तो वो जैसे मैसेज मिलेगा तो सभी क्लिकर को जाएगा, ये ब्रॉडकास्ट होता है रेडियो, लेकिन आप हो क्या पूछेगा, उसके बाद नंबर बोलेगा, एक नंबर आप हो क्या, तो जिसका 2, 3, 4 ऐसा क्लिकर नंबर होगा वो रिस्पॉन्ड नहीं देगा, खाली जिसका एक नंबर होगा बोलेगा हाँ, तो बोलने का मतलब वो सिग्नल भेजेगा। हो सकता है कि उस समय में या तो वो स्टूडेंट एबसेंट हो या कहीं क्लिकर ठीक से कैच नहीं कर पाया हो, तो थोड़ी देर रुक के फिर एक बार पूछेगा आप हो क्या, ऐसा 3 बार पूछेगा, 3 बार में उसको रिस्पॉन्स आ जाएगा तो वो आपको रजिस्टर कर देगा अटेंडेंस हो गया करके। अब आपके क्लिकर में कुछ क्लिकर्स में आना चालू हो गया होगा मैसेज अटेंडेंस टेकन करके, हाँ अटेंडेंस कलेक्टेड, तो इसका मतलब आपकी अटेंडेंस हो गई, इसमें नहीं आया तो अभी थोड़ा रुकिए, वो ढूंढ रहा है अभी भी, अटेंडेंस टेकन, इसने अटेंडेंस ले लिया है तो आपकी अटेंडेंस या तो नहीं निकली या हो गई और उसके बाद क्लिकर बंद हो गया होगा। तो 16 लोग प्रेजेंट है और 12 लोग एबसेंट है, अब इसमें से 12 कौन एबसेंट है, ये एबसेंट लोगों के रोल नंबर, अब इसमें बताइए कि आप में से कोई है इसमें, नहीं ऐसे नहीं, जिन्होंने क्लिकर लाए हैं वही खाली याद करेगा, वो आपको देख के थोड़ी अटेंडेंस ले रहा है, वो क्लिकर से ले रहा है, क्लिकर नहीं है तो आपकी अटेंडेंस नहीं होगी, क्लिकर है और चालू भी किया था, वो क्लिकर चालू करने के बाद में जब चैनल आएगी तो ओके बटन दबाया था क्या, नहीं तो वो चैनल सिलेक्ट नहीं हुआ, एक बार फिर करते हैं, देखिए अभी आप स्विच ऑफ कर दीजिए, क्लिकर स्विच ऑफ कर दीजिए काला बटन से, पूरा बंद हो जाना चाहिए, हो गया स्विच ऑफ कर दिया आपने, अच्छा अभी फिर से अटेंडेंस लेने वाले हैं तो आप फिर स्विच ऑन कीजिए उसको, स्विच ऑन करने से वो चैनल पे घूमेगा, चैनल आ जाएगा तो चैनल स्टेबल होने के बाद में ओके बटन दबाइए, कौन सा चैनल आ रहा है 11, तो वो 11 जैसे आ जाएगा ओके बटन एक बार दबा दीजिए, फिर वो हो जाएगा चैनल सिलेक्ट हो गया, अब क्या आ रहा है मैसेज, सबके क्लिकर पे आ गया CS101, कोई है जिसका क्लिकर में नहीं आया है, आ गया सबके, ठीक है अब रखे रहिए, मैं फिर से अटेंडेंस ले रहा हूँ, अभी ये फिर से अटेंडेंस कलेक्ट कर रहा है, अभी इसको आधा एक मिनट लगेगा, बैठे रहे आप थोड़ी देर, अब देखते हैं इस बार कितने क्लिकर सिलेक्ट, वो आप उसको हिलाइए मत क्लिकर को, एक टेबल पर रख दीजिए सामने या हाथ में ऊपर रखें तो स्टेडी रखिए, वो आप क्लिकर हिलाते हैं तो मेरा रिसीवर कन्फ्यूज हो जाता है, पहली बार उसने इधर सिग्नल कुछ आने का अंदेशा हुआ था तब तक आपका हाथ हिल गया, उसको लगा क्लिकर गायब हो गया, Is it collected? Yes. अभी 19 लोग प्रेजेंट हैं और 9 लोग एबसेंट, अब एबसेंट की लिस्ट देखते हैं, नहीं अब देखिए इसमें आपका नाम है 1, 2, ओके, सो बेसिकली ऑल दोज हु आर प्रेजेंट उनके क्लिकर से रजिस्टर हो गया, यानी किसी का भी मिस नहीं हुआ, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब क्विज कंडक्ट होगा तो किसी का मिस हो जाएगा तो वो डेटा कलेक्ट नहीं होगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है अब हम लोग क्विज कंडक्ट करने वाले हैं, अब ये क्विज कंडक्ट होगा, अभी देखिए ये क्विज है, इसमें लिखा है ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने चालू किया था, किसने बनाया था सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब आप में से किसी को पता होगा, कुछ लोगों को पता नहीं होगा, जिनको पता नहीं वो गेस करें क्योंकि इसमें मार्क्स नहीं मिलने वाले और निगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, तो अभी बोलना नहीं है किसी को भी, पास वाले को भी नहीं बताना, ये क्विज है तो क्विज कैसे अब मैं बोलूँगा, अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ और इसको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, नहीं जरूरी नहीं है, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अभी चालू नहीं हुआ है, अभी देखिए मैं स्टार्ट बोलूँगा, ये देखिए चालू हो गया, अभी 1 मिनट के अंदर आपको एक उत्तर दबाना है,
ए बी सी डी ई या एफ, एक एक बार दबा देंगे तो जो प्रोग्राम जैसे सीन बोलते हैं आप कंप्यूटर में, आपको इनपुट देना है कैरेक्टर, आप क्या बटन दबा के रखते हैं कीबोर्ड पे? दबा के रखोगे तो 1000 कैरेक्टर चले जाएंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए आपने गलती करी, आपको समझ में आ गई एक मिनट के अंदर कि भाई अपना आंसर ए नहीं था, सी था या डी था, तो दोबारा अगर दबाएंगे तो पहले वाला मिट जाएगा, उसके जो आप आखिरी की दबाएंगे वो रहेगा। इसके बाद ये देखिए ऊपर टाइमर आ रहा है, अभी 16 सेकंड बचे, 15 सेकंड बचे। अगर आपने उत्तर दे दिया तो आप चुपचाप बैठे रहें, तो इसका जब टाइम जीरो हो जाएगा तो उसके बाद जैसे उसने अटेंडेंस कलेक्ट करी थी वैसा वो आंसर कलेक्ट करेगा। अभी कुछ ना करें, अब वो जब आंसर कलेक्शन जाएगा, टाइम इज अप, अब आप देखते रहे क्लिकर की तरफ, जैसे आपके इसका रिस्पॉन्स कलेक्ट होगा तो वो बोलेगा एक्नॉलेजमेंट रिसीव, और एक्नॉलेजमेंट रिसीव होने के बाद में सो जाएगा क्लिकर, यानी आपके एक्नॉलेजमेंट आ गई। वो अगर आप देखते नहीं रहे और मान लीजिए सो गया तो आपको लगेगा क्या हो गया, स्लीप का मतलब है कि उसने एक्नॉलेजमेंट कर लिया, नहीं तो सोएगा नहीं जब तक वो ढूंढता रहेगा। अब इस तरह से वो सबके रिस्पॉन्सेस कलेक्ट करेगा जैसे अटेंडेंस में करा था। अब उसको ये पता नहीं है कि कौन एब्सेंट है कौन प्रेजेंट है, क्योंकि एक प्रोविजन इसमें है कि जो प्रेजेंट है उन्हीं के कलेक्ट करो, ऐसा मैंने नहीं लिखा है, तो सबके कलेक्ट कर रहा है, तो सबके कलेक्ट कर रहा है, तो वो जो एब्सेंट है, अब जैसे इन महाशय के क्लिकर को भी वो ढूंढ रहा है, तो वो हॉस्टल तक तो जाता नहीं संदेशा उसका, तो वो थोड़ी देर बाद गिव अप करेगा, बोलेगा नहीं होता है जाने दो। ये हो गए, कलेक्ट कर लिया उसने 17 सेकंड में। अब देखते हैं कितने लोगों के कलेक्ट करें, ये देखिए इतने रिस्पांस आए, 19 लोगों के रिस्पांस आए, टोटल 28 थे। पिछले टाइम अटेंडेंस भी 19 लोगों का आया था, यानी जितने 19 लोगों का बराबर है उतना रिस्पांस आ गया। अब यहाँ पे रिस्पांस देखेंगे आप, इसमें आपके नाम भी लिखे हुए हैं, आपने क्या रिस्पांस दिया ये भी लिखा है, एक्स का मतलब है वो रिस्पांस नहीं आया। अब दिनेश कुमार नहीं है, एब्सेंट है, लोकेश, ये इन लोगों के नहीं आए हैं, वही लोग हैं जो बीच में एब्सेंट आए थे, वही लोग। अब इसके आप इसके आंसर्स के रिस्पॉन्सेज देखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप बार चार देखना चाहेंगे, ये देखिए ये रिस्पॉन्सेज हैं, तो कितने लोगों ने ए दिया, कितने लोगों ने बी दिया, ये स्टैटिस्टिक्स है। आप फायदा समझ रहे हैं इसका, जैसे कोई मैंने एक कंसेप्ट समझाया क्लास में, एक एग्जाम्पल दिया, उसके बाद एक क्विज ली। अब मान लीजिए मेजॉरिटी लोगों ने सही उत्तर दे दिया तो मतलब समझ में आ गया जनरली लोगों के, और मान लीजिए मेजॉरिटी लोगों ने गलत उत्तर दिया तो मैं तुरंत एक नया एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि भाई ये और पढ़ ले, एक और क्विज कंडक्ट करूँ। समझ गए, आपको भी फायदा है, शिक्षक को भी फायदा है, इसके लिए बना है। ये लोग, ये पूरा डिज़ाइन IIT में किया गया है अपने लैब में डिपार्टमेंट के, और ये क्लिकर करीब करीब हमको 1300 रुपये में एक पड़ा। अब ये 1000 बनाए इसलिए 1300 रुपये लगे, 10000 बनाते तो होता है 500 रुपये में हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि IIT में हर कोर्स में हर टीचर इसका इस्तेमाल करे, आपको भी फायदा है, लोगों को भी फायदा है। आपको खाली एक मिड सेम एग्ज़ाम तक वेट नहीं करना पड़ता है, आपकी रोज की रोज आप कितना समझे नहीं समझे पता चल जाए। तो ये टीम ने बनाया एक बड़े, ये अभी आप यहाँ तो जो देख रहे हैं मंजूर उनके साथ ही, ये तो खाली दो लोग हैं, कुल 20 लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर पिछले कई 2 सालों से। तो थैंक यू वेरी मच मंजूर। सो अभी यस, आई थिंक दे डिजर्व द क्लैप, इवन दोज हु आर नॉट हियर दे डिजर्व द क्लैप बिकॉज दे हैव डन रियली गुड वर्क। दिस इज द फर्स्ट मेजर इंडस्ट्री ग्रेड प्रोडक्ट जो IIT से बना है, और इसका जो डिज़ाइन है हार्डवेयर, इसके अंदर जो प्रोग्राम डाला है, जो बाहर का प्रोग्राम है, ये सब का सब हम ओपन सोर्स में रिलीज़ करने वाले हैं। तो वेब पे डाल देंगे IIT के नाम से कि ये डिज़ाइन है, ये प्रोग्राम है, जिसको बनाना है क्लिकर बनाओ, मैन्युफैक्चर करो और सस्ते में बेचो सबको। तो इसके लिए ये ऐसे बनाया गया। ठीक, आपने अभी खबर पढ़ी होगी देनिस रिची का इंतकाल हो गया, मर गए वो रिची, ये थॉमसन रिची, ये लोग जो है जिन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई, जिन्होंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया। पहला नाम था एक स्ट्राउस ट्रूप करके, देखा होगा वो स्ट्राउस ट्रूप ने C++ डिज़ाइन किया, लेकिन C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेनिस रिची ने बनाया।
बहुत काम किया था इन लोगों ने, बेल लैब्स में काम करते थे लोग, इनको नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखना था, उन्होंने नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। उस समय प्रोप्राइटरी कंप्यूटर होते थे, हार्डवेयर सबका अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात नहीं करता। तो इन लोगों ने सोचा कि ऐसा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहिए कि जो पूरे लोग यूज़ कर सकें। उस समय में पीसी नहीं था कहीं दुनिया में, सर्वर ही होते थे, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह कंपनी नहीं थी। उन लोगों ने पहले यूनिक्स डिज़ाइन करी, फिर उनको लगा कि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो लोग लिखते हैं जिसमें प्रोग्राम, वो ठीक नहीं है। तो किसी ने एक सोचा कि एक बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज BPCL करके बनाया था, तो उनका उसके आगे क्या हम बनाएंगे, तो डेनिस रिची ने नाम रखा उसका सी। सी किसी आदमी का या लैंग्वेज का नाम नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने रख दिया, और वो इतनी अच्छी लैंग्वेज डिज़ाइन करी कि पॉपुलर हो गई काफ़ी। तो वो क्रिएटर है उसके। आज जो हम लोग C++ प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उसकी पूरा जो बेसिस है वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, जो उस समय आज़ाद हो। उसके बाद C++ हुआ, जावा हुआ, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हुए। आज भी दुनिया भर में जो मेन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो लिखा जाता है वो मैक्सिमम सी और C++ में लिखा जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो है, यानी जैसे आप लोग लिखते हैं, वो आजकल या तो C++ में लिखते हैं या जावा में लिखते हैं। ये दोनों, आप जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं उसके बाद आप ये भी काम कर सकते हैं, वो भी काम कर सकते हैं। मैं ये पूछना चाहता था कि आपने क्लिकर रिलेटेड सवाल पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश करी, और वो जो प्रोग्राम दिया था एग्ज़ाम में दिया था, आपको 15-20 मिनट में उसका उत्तर देना चाहिए था। लेकिन आप सोचिए कि उस तरह के कितने प्रोग्राम्स लिखे गए होंगे तब ये क्लिकर चल रहा है। अब ये जो रिस्पांस आपको मिला, आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था उसमें तो बाकायदा रिस्पांस किसी ने टेक्स्ट फाइल में बना के दे दिया था। ये आपका क्लिकर जो है टेक्स्ट फाइल नहीं भेज रहा है टाइप करके, वो बाइट कोड बिट कोड में ऐसे कुछ बाइट्स भेज रहा है, उसका एक प्रोटोकॉल है। वो भेजा, उसको समझा कि नहीं, तो जब भी उसका रिस्पांस आता है उसको चेकसम करके भेजता है वो। यानी उसने मान लीजिए 10 कैरेक्टर भेजे, तो 10 कैरेक्टर से एक और एक नंबर कैलकुलेट करता है और वो भी नंबर भेजता है साथ में। वो रिस्पांस आने के बाद में यहाँ पे वो 10 कैरेक्टर लेता है, अपना नंबर कैलकुलेट अलग से करता है। चेक डिजिट का सवाल किया होगा आपने, चेक डिजिट का प्रॉब्लम दिया था मैंने कभी? नहीं, आज दूंगा आपको, बताऊंगा उससे कैसे चेक करते हैं कि वो नंबर सही है कि नहीं। इतना सब करने के बाद में वो क्लिकर रिसीवर में आ गया रिस्पांस, वो खाली क्लिकर नंबर से आया, वो जाएगा बैकएंड में, उसके बाद वो रोल नंबर और नाम से अटैच होगा। जैसे आप अटेंडेंस देख रहे थे, क्लिकर के आंसर्स देख रहे थे। इसके अलावा क्विज़, मैंने एक बताया, हो सकता है मैंने 15 क्विज़ करे हों, तो क्विज़ एक क्विज़ बैंक है, डेटाबेस है क्विज़ का, उसके लिए प्रोग्राम लिखे गए। उसमें से मैं सिलेक्ट करता हूँ एक क्विज, कंडक्ट करता हूँ यहाँ पे, उसके लिए प्रोग्राम लिखे गए। ये टाइमर जो बता रहा है आपको, उसके लिए लिखे गए। और ये तो एकदम मतलब हिमनक का ऊपर का सिरा देख रहे हैं आप, पूरा बर्फ तो अंदर। इतने बड़े प्रोग्राम, करीब करीब 20,000 लाइन के प्रोग्राम लिखे गए इसके पीछे, तब ये जाके बना। लेकिन ये बताने के पीछे मेरी इच्छा क्या है कि आप समझें कि आप में से हर एक कोई ये क्षमता रखता है कि इस तरह के सिस्टम बनाए जाएँ। हाँ, आज की तारीख में आपको प्रोग्रामिंग थोड़ा आता है, लेकिन आप और पढ़ेंगे तो अपने फील्ड के बड़े बड़े प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकेंगे। और ये आपको करना आना चाहिए, इसलिए इस कोर्स में एक प्रोजेक्ट रखा गया, एक ग्रुप प्रोजेक्ट, जो मतलब 3-4 लोग मिलके करते। एक आदमी कितना भी ज़्यादा प्रोग्राम्स लिखे तो 10-15 दिन 20 दिन में शायद 200 लाइन 300 लाइन के प्रोग्राम्स लिख पाएगा। लेकिन अगर 3-4 आदमी मिलके करें तो कम से कम 1,000 लाइन के प्रोग्राम्स हो जाएंगे, 5-10 फंक्शंस लिखेंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे। उसकी आदत होने के लिए आपको प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट करना है। उस प्रोजेक्ट के 25 मार्क्स हैं। बाकी जो रेगुलर क्लास के लोग हैं उन्होंने प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट चालू कर दिया करीब करीब 2 हफ्ते पहले। आप लोग चूंकि थोड़ा पीछे थे इसलिए आपको अभी तक चालू नहीं किया, लेकिन आप आज से आप प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट के बारे में सोचना शुरू करेंगे।